दोस्तों आज मैं आपके सामने रॉयल एनफील्ड की एक ऐसा मॉडल का रिव्यू लाऊंगा जो 1948 में ऑफ रोडिंग टू व्हीलर कैटेगरी में अपना जगह बना चुका था, लेकिन बाद में इस मॉडल को डिसकंटिन्यू किया गया। लेकिन अभी 2019 में इस बाइक को दोबारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं रॉयल एनफील्ड ट्रायल्स 350 मॉडल का रिव्यू करने वाला हूँ। दोस्तों इस बाइक का एक और वेरियंट भी अवेलेबल है जिसका नाम है ट्रायल्स 500, लेकिन आज मैं सिर्फ ट्रायल्स 350 का रिव्यू करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दी बाइकर्स डायरी। चलिए शुरू करते हैं। अभी आप सामने रॉयल एनफील्ड ट्रायल्स 350 मॉडल देख रहे हैं। दोस्तों इस बाइक का एक शोरूम प्राइस कोलकाता है 1,63,000 रुपीज। दोस्तों लुक्स की बात करें तो रॉयल एनफील्ड ट्रायल्स 350 में एक मस्कुलर रेट्रो क्लासिक लुक्स दिया गया है। इस बाइक में सिल्वर मेटालिक कलर दिया गया है और बहुत सारे जगह पर क्रोम कलर का यूज हुआ है। दोस्तों इस बाइक का फ्रेम रेड कलर का है जो इस बाइक को एक डिफरेंट लुक्स दे रहा है। दोस्तों मैंने इस वीडियो का शुरू में ही बताया था, रॉयल एनफील्ड ट्रायल्स 350 एक ऑफ रोडिंग बाइक है, इसलिए इस बाइक में सिर्फ राइडर सीट दिया गया है एंड पिलियन सीट की जगह लगेज कैरियर दिया गया है। दोस्तों इस बाइक का एग्जॉस्ट दूसरा मॉडल से पूरा अलग है। रॉयल एनफील्ड ट्रायल्स 350 का एग्जॉस्ट हाफ लिफ्टेड है जो ऑफ रोडिंग करने के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। इसमें ऑफ सिल्वर मेटालिक कलर का मस्कुलर 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। टैंक के दोनों साइड में क्रोम फिनिश्ड बैकग्राउंड के ऊपर रेड कलर से रॉयल एनफील्ड लिखा गया है। साइड पैनल में बुलेट ट्रायल्स वर्क्स रेप्लिका का बैच दिया गया है। दोस्तों रॉयल एनफील्ड ट्रायल्स 350 ड्यूएल चैनल ABS के साथ आ रहा है। इस बाइक का फ्रंट व्हील में ड्यूएल पिस्टन कैलिपर 280 मिलीमीटर डिस्क ब्रेक दिया गया है और इसमें मैंडेटरी ABS भी दिया गया है। आप यहां पे ये ABS सेंसर प्लेट देख सकते हैं। दोस्तों रियर ब्रेक्स की बात करें तो इस बाइक का रियर व्हील में सिंगल पिस्टन कैलिपर 240 मिलीमीटर डिस्क ब्रेक दिया गया है। क्योंकि ये बाइक ड्यूएल चैनल ABS के साथ आता है, इसीलिए रियर व्हील में भी ABS सेंसर प्लेट दिया गया है। दोस्तों इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो रॉयल एनफील्ड ट्रायल्स 350 में वही इंजन दिया गया है जो क्लासिक 350 में दिया जाता है, यानी इस बाइक में 346cc टू वेल्व ट्विन स्पार्क एयर कूल्ड इंजन दिया गया है जो 5250 rpm में 19.8 bhp पावर एंड 4000 rpm में 28 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोवाइड करेगा। दोस्तों इस बाइक का जो फ्यूल डिलीवरी सिस्टम है वो कार्बोरेटर टाइप है। दोस्तों इस बाइक में 5 स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है और ये बाइक 34 km/h माइलेज देता है। दोस्तों सस्पेंशन की बात करें तो इस बाइक का फ्रंट में 35 mm टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है और सस्पेंशन के ऊपर रबर फोर्क कवर भी दिया गया है जो डस्ट एंड मड से इस सस्पेंशन को प्रोटेक्ट करेगा। रियर साइड में गैस चार्ज 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिया गया है। दोस्तों इस बाइक में डाउन ट्यूब चेसिस का यूज किया गया है। इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस है 135 mm एंड कार्ब वेट है 187 kg। दोस्तों इस बाइक में फ्लैट टाइप सिंगल सीट दिया गया है। इस बाइक में पिलियन सीट का ऑप्शन नहीं मिलता है। इस बाइक का सीट हाइट है 800 mm। दोस्तों टायर्स की बात करें तो इस बाइक का फ्रंट व्हील में 90x90 साइज का ट्यूब टाइप टायर एंड रियर साइड में 110x90 साइज का ट्यूब टाइप टायर दिया गया है। दोस्तों ये दोनों टायर C8 का सेमी ऑफ रोड टायर है और दोस्तों इस बाइक का फ्रंट व्हील रिम का साइज है 19 एंड रियर व्हील रिम का साइज है 18। दोस्तों ये दोनों रिम ही स्पोक टाइप है। दोस्तों इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करें तो इस बाइक में वही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जो क्लासिक 350 में दिया जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर दिया गया है एंड इसके साथ साथ टर्न लाइट इंडिकेटर, न्यूट्रल इंडिकेटर, हाई बीम इंडिकेटर, ABS इंडिकेटर एंड फ्यूल स्टेटस इंडिकेटर दिया गया है। दोस्तों हेडलाइट की बात करें तो इस बाइक में दो पायलट लैंप के साथ 55x60 वाट हैलोजन वाला हेडलाइट दिया गया है जो DC में ऑपरेट होता है। और दोस्तों इस बाइक में एक हेडलाइट ग्रिल भी दिया जाता है। इस बाइक में येलो लेंस वाला इंडिकेटर दिया गया है। टेल लाइट की बात करें तो इस बाइक में 5x21 वाट बल्ब टाइप टेल लाइट दिया गया है।
दोस्तों रॉयल एनफील्ड ट्रायल्स 350 एक रेट्रो मॉडर्न ऑफ रोडिंग बाइक है। रॉयल एनफील्ड इस बाइक को लद्दाख रेडी बाइक बोल रहा है। दोस्तों इस बाइक में मुझे एक ड्रॉबैक लगा, इस बाइक में अगर ऑप्शनल पिलियन सीट होता तो और भी बेहतर हो सकता था। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मोटरसाइकिल एंड स्कूटर रिलेटेड न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, राइड सेफ, जय हिंद, चाओ।